अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इखरा मिशन एजुकेशनल चैनल पर आपका इस्तकबाल है। डियर पेरेंट्स, आज हम गुफ्तगू करेंगे स्टूडेंट बोनोफाइड सर्टिफिकेट का पर्पस और इसके इम्पोर्टेंस पर। बोनोफाइड एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जिससे हमको किसी स्टूडेंट के स्टडी डिटेल्स मालूम होती हैं, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल जहाँ बच्चे ने तालीम हासिल की, स्टूडेंट पर्टिकुलर्स जैसे स्टूडेंट एंड फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, क्लास या क्लासेस ऑफ स्टडी, ईयर्स ऑफ स्टडी। चूँकि बोनोफाइड सर्टिफिकेट से बच्चे के लोकेशन ऑफ स्टडी का भी पता चलता है, तो इसीलिए स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बोनोफाइड सर्टिफिकेट रेसिडेंस और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का भी काम करता है। बोनोफाइड सर्टिफिकेट की मदद से किसी स्टूडेंट को लोकल या नॉन लोकल ट्रीट किया जाता है, इसीलिए कि लोकल और नॉन लोकल स्टूडेंट के लिए रूल्स अलग अलग होते हैं। तेलंगाना स्टेट में किसी स्टूडेंट को लोकल कैटेगरी में ट्रीट होने के लिए उसको मुसलसिल 7 साल तेलंगाना के किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ना ज़रूरी है। इसीलिए हायर स्टडीज़ या जॉब रिक्रूटमेंट में ये देखा जाता है कि क्या स्टूडेंट मुसलसिल 7 साल किस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ा है। बास दफ़ा क्लास 1st से लेकर 7th क्लास तक प्लेस ऑफ स्टडी देखी जाती है, तो कभी 4th क्लास से लेकर 10th क्लास की प्लेस ऑफ स्टडी देखी जाती है, तो कभी 6th क्लास से लेकर 12th क्लास का प्लेस ऑफ स्टडी चेक किया जाता है। अगर बच्चे के एजुकेशन में कभी 1-2 साल का गैप आ जाए तो इससे बच्चे को आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा पेरेंट्स से ख्वाहिश की जाती है वो इस तरफ ध्यान दे कि बच्चे की कंटिन्यूस स्टडी विदाउट एनी ब्रेक जारी रहे। बोनोफाइड सर्टिफिकेट का एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये होता है कि उसमें स्टूडेंट का कॉन्डक्ट या कैरेक्टर भी लिखा जाता है। अब आपको अंदाज़ा हुआ होगा किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में बोनोफाइड सर्टिफिकेट की कितनी इम्पोर्टेंस है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आखिर में शुक्रिया।